एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो दोस्तों, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो अभी है सुबह सुबह का टाइम और आज है मेरे लाडो का बर्थडे, जो कि बहुत ही सबसे ज़्यादा मेरे लिए स्पेशल है और सबसे ज़्यादा खुशी का मौका है। तो तनिशु इधर आओ, आ जाओ इधर से, आओ इधर से आ जाओ, इधर से आ जाओ। तो हैप्पी बर्थडे मेरा बच्चा। थैंक यू नहीं बोला आपने मम्मा को, और भाई थैंक यू रिटर्न में मिल रहा है। तो आज है हमारी लाडो का बर्थडे, जो कि मेरे लिए सबसे खास है। और जी हाँ, आज ही का वो दिन है जिस दिन मैं मम्मा बनी, मुझे मम्मा बोलने वाला कोई इस दुनिया में आया। तो ठीक है, आज है बर्थडे, तो देखते हैं पूरा दिन क्या होता है क्या नहीं। अभी सुबह का टाइम है, मेरा नहाना धोना हो गया है और मैंने अपनी लाडो को भी रेडी कर दिया है। आ जाओ आ जाओ। तो ये है, मेरी लाडो रेडी हो चुकी हैं। अभी जस्ट हम लोग जा रहे हैं बाहर, थोड़ा सा मुझे कुछ काम है अपना, ऐसे नहीं करते ना, तो होके आते हैं, फिर शाम की पार्टी इंजॉय करते हैं, अपनी लाडो की पार्टी, है ना? हाँ, तो चलो चलते हैं अब थोड़ी देर के लिए बाहर, ठीक है? बारिश हो रहा है। बारिश हो रहा है? हाँ। अच्छा ठीक है, चलो देखते हैं, बारिश अभी बंद हो जाएगी। यहाँ पे मेरी लाडो खेल रही हैं। मैंने इनको सुबह ऐसे ही नॉर्मल कपड़े डाल दिए थे, रेडी कर दिए थे मंदिर जाने के लिए, बट इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी तो हम लोग मंदिर नहीं जा पाए और घर पे ही पूजा पाठ कर लिए हैं। और मिलते हैं अब हम आप लोगों को शाम को। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि आज है मेरी लाडो का बर्थडे, तो लाडो को मैंने रेडी कर दिया और ख़ुद भी मैं रेडी हो गई हूँ। बस अभी बाकी हैं, क्योंकि अभी पूरे घर का डेकोरेशन कर रहे थे, पूरा मतलब डेकोरेट कर दिया गया है। मैं अपनी लाडो को दिखाती हूँ, और क्योंकि मैंने ड्रेस नहीं दिखाया था ना कि मैंने अपने लाडो के लिए क्या ड्रेस ले आई हूँ। ड्रेस तो बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा दामझाम मैंने नहीं लिया, सिंपल लिया, बट मेरी लाडो के ऊपर बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है। तो आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मेरी लाडो कैसी लग रही हैं, और मेरी लाडो के लिए भर भर के प्यार की दीजिएगा। तो आई थिंक आप लोगों के कल के ब्लॉग में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, क्योंकि ये ब्लॉग बहुत ही ज़्यादा और अच्छा और ऑसम होने वाला है। मैं अपनी लाडो से मिलाती हूँ। आ जाओ मेरा बच्चा, ये देखो देखो देखो, आपसे सब लोग क्या बोल रहे हैं, हैप्पी बर्थडे बोल रहे हैं। आ जाओ बात तो कर लो, आ जाओ मेरा बच्चा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ मेरा बेटू, आ जाओ मेरा बेटा बात करता है, आ जाओ। ये देखो, तो ये है बर्थडे गर्ल। बर्थडे गर्ल रेडी हो चुकी है, मैं पूरी पिक इनकी डाल दूंगी। तो ये बहुत ही प्यारी लग रही हैं और बहुत ही ज़्यादा खुश हैं कि मतलब मेरा बर्थडे है, आज मैं केक काटूंगी। खुश क्यों नहीं होंगी, बच्चों का होता ही है कि बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तो चलिए हम आप लोगों से मिलते हैं थोड़ी देर में, क्योंकि अभी कोई गेस्ट नहीं आए हुए हैं और हम लोग रेडी हो चुके हैं, घर का सब कुछ हो गया है। और खाना तो बाहर से आना है, मैंने मतलब होटल से कर दिया है, तो ये गए हुए हैं खाना लेने के लिए। केक वगैरह आ चुका है, बाकी जो भी जैसा रहेगा पार्टी में तो मैं आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगी। और आप लोग कमेंट में एक बार ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों ने इस पार्टी को एंजॉय किया कि नहीं किया। तो चलिए हम आपसे मिलते हैं थोड़ी देर में। तो यहाँ पे सब कुछ डेकोरेशन हो गई है, मैं आपको दिखाती हूँ हल्का फुल्का सा, बैक कैमरे से दिखाती हूँ एक मिनट। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि डेकोरेशन कंप्लीट हो चुकी है, जितना भी किया गया है बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है। तो आज लाडो मेरी 3 साल की हो गई, देखते ही देखते दिन कब निकल जाता है पता नहीं चलता है, और मेरी लाडो जो है 3 साल की हो गई, पहले से थोड़ी सी बड़ी और हो गई, और मेरी लाडो आज बहुत ही ज़्यादा खुश है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, और बाबू मेरी बहुत ही ज़्यादा खुश है, मैंने उनको भी तैयार कर दिया है। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि वो कैसी लग रही हैं। ये देखिए, अभी ये शाम का टाइम है, 6:30 आई थिंक हो रहे थे, और ये यहाँ पे इंजॉय कर रही थी और बहुत ही ज़्यादा खुश थी रेडी होके। रेडी होने के बाद खुद ही मतलब गाना गा रही थी और डांस कर रही थी, खूब ज़्यादा इंजॉय कर रही थी। तो मैंने छोटी सी रिकॉर्डिंग कर ली, मैंने कहा मेरी लाडो कैसी लग रही है आप लोग कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। ये देखिए, यहाँ पे ये बहुत 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 ज़्यादा खुश हैं, तो भगवान इनकी खुशियाँ ऐसे ही बरकरार रखें और किसी की इनको नज़र ना लगे। ये बहुत 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 ही ज़्यादा प्यारी लग रही थी।
तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो केक कटिंग के लिए अब हम यहाँ पे सब कुछ रेडी है। तो ये है आरती करने के लिए। हम लोगों के यहाँ केक जब कट करते हैं तो उससे पहले बच्चे की आरती करते हैं और थोड़ी सी विशेष मांगते हैं, मतलब दुआएं मांगते हैं। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो ये आरती तो बहुत प्यार से करवा ली, बट इनको मिठाई नहीं खानी थी, मीठा इनको थोड़ा सा कम पसंद है। तो यहाँ पे भाभी इनको मिठाई खिला रही थी तो बोली मुझे नहीं खाना, उसको बस ये था कि मैं कब केक काटूं और पापा को खिलाऊं। और सुबह से इसने मतलब रट लगा रखा था कि मम्मा मैं केक काटूंगी और पापा को खिला दूंगी, मम्मा मैं केक काटूंगी पापा को खिला दूंगी। केक काटने के लिए इतना ज़्यादा एक्साइटेड थी कि बहुत ही ज़्यादा खुश थी, अपने ही केक में खुद को क्लैपिंग करेंगी, खुद को विश कर रही थी मम्मा हैप्पी बर्थडे टू यू, मम्मा हैप्पी बर्थडे टू यू। तो यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा ही खुश थी। तो हमने बहुत ज़्यादा बड़ी पार्टी तो नहीं रखी थी, बट छोटी ही सी थी, बट बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। तो इस छोटी सी पार्टी में जिन लोगों ने मतलब जितने लोग भी शामिल हुए उनको थैंक यू सो मच कि मेरी बेटी की खुशी में शामिल हुए। और यहाँ पे ये देख सकते हो आप, तो ये बिल्कुल से रट लगा ली, मम्मा मुझे पापा को खिलाना है। और मैं बोली बेटा हाथ से टच मत करो वरना आपका हाथ गंदा हो जाएगा। तो यहाँ पे ये हुआ कि कोई नहीं स्पून से खिला देते, उसको शौक लग रही थी ना कि होता है बच्चों को थोड़ा सा कि मम्मा मुझे पापा को खिलाना है। तो ये देखिए, तो ये सबसे पहले अपने पापा को खिलाई कि मम्मा मुझे पापा को खिलाना और केक और भी कट करना है, ये बोल रही है मम्मा मुझे और भी केक कट करना है। तो ये हुआ कि पहले आप केक कट कर लो अच्छे से, जब आपका मन भर जाए तो आप बता देना। और यहाँ पे अब हम लोग जितने लोग भी थे सभी लोग जो है फ़ोटो पिक करा रहे थे कि ये हुआ कि दो चार फ़ोटो ले लेते हैं, हमेशा के लिए यादें हो जाती हैं कि हमने तन्नू का थर्ड बर्थडे ऐसे मनाया था। तो सब ने मिल के यहाँ पर हम सब लोग पिक ले रहे थे और मेरी लाडो अपने केक में ही बिजी थी, उनको केक काट रही थी। तो यहाँ पे हम लोग मतलब फ़ोटो वगैरह ले रहे थे, फ़ोटो हमारा कंप्लीट हो चुका था। तो ये हुआ कि फ़ोटो ले लेते हैं, फ़ोटो हमेशा के लिए पूरे लाइफ टाइम के लिए हो जाता है और एक यादें बन जाती हैं हमारी लाइफ की कि हमने किस टाइम पे यहाँ पे कौन कौन तनु के बर्थडे में आया था। तो हमारी सारी फ्रेंड लोग एक बार हम लोगों ने फ़ोटो ले ली, फिर इनके सारे फ्रेंड्स लोग एक साथ साथ लोग फ़ोटो ले रहे हैं यहाँ पे। तो फ़ोटो सेशन तो हो चुका है, इसी बहाने आप लोग मेरे पूरे घर का टूर भी कर लोगे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि मौसम फिर बहुत अच्छा हो गया था क्योंकि पूरे दिन बारिश हुई थी, तो गर्मी नहीं थी बहुत ज़्यादा, हल्की फुल्की थी गर्मी। तो यहाँ पे ये लोग बाहर ही बैठे हुए थे तो यहाँ पर सब लोग नाश्ता पानी कर रहे हैं। हम लोगों ने ये किया कि सबको पहले यहाँ पर नाश्ता करवा के और हम सारी लेडीज़ अंदर इकट्ठे बैठ जाएंगे। तो यहाँ पे सब लोग हेलो बोल रहे हैं। और ये देखिए रूम जहाँ पे हमने केक कटिंग की, तो आप लोग मुझे कमेंट पे ज़रूर बताइएगा कि मेरा रूम कैसा है और मेरी लाडो कैसी लग रही थी आज, इस चीज़ का कमेंट ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे हम अपने भगवान को कैसे भूल सकते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने माता रानी को भोग पहले ही लगा दिया था क्योंकि मुझे पता था कि पार्टी में मुझे माइंड से निकल जाएगा और मैं भोग नहीं लगा पाऊँगी। तो खाना जैसे ही आया सबसे पहले मैंने भगवान जी को भोग लगाया है, फिर उसके बाद मैंने बाकी मतलब केक कटिंग वगैरह करवाई है। तो यहाँ पर ये देखो बच्चों के साथ में लाडो भी मेरी एंजॉय कर रही हैं, बच्चे भी बहुत ज़्यादा खुश थे और बहुत ज़्यादा एंजॉय किए थे और डांस वगैरह भी बहुत ज़्यादा किए हैं, बट कॉपीराइट आ जाता तो मैंने इसलिए डांस वगैरह का नहीं इसमें डाला है। और गाना भी चल रहा था इसलिए मैंने पूरी वीडियो में वॉइस ओवर किया है और कहीं पे भी सॉन्ग को नहीं चलने दिया, गाने को बंद कर दिया है ताकि मतलब कॉपीराइट ना आए और मेरी वीडियो अच्छे से आप लोग इन्जॉय करिएगा। आप लोग देख सकते हो क्योंकि पूरा दिन निकल गया और मैंने लाडो को ना शाम के टाइम पार्टी में बिज़ी हो गई, तो लाडो ने कुछ खाया पिया नहीं था, उसको भूख लगी थी। और सभी बच्चों को देख के ना एक दूसरे के बच्चों को देख देख के बच्चे खाते हैं, क्यों मेरी लाडो को अक्सर ऐसा होता है, नहीं तो उनको खिलाना पड़ता है पीछे पीछे घूम के, वो खाने का उनका मन नहीं करता, बट इज़ ओके कोई नहीं। तो अब यहाँ पे सबका नाश्ता हो गया और अब हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं डिनर। तो मैंने कहा आप लोग एक साथ बैठ जाओ यहाँ पे डिनर कर लो। तो यहाँ पे इनके फ्रेंड्स लोग सब लोग यहाँ पे बाहर वाले रूम में डिनर कर रहे थे, तो मैंने कहा आप लोग यहाँ पे डिनर कर लो और हम लोग जो है अंदर वाले रूम में एक साथ डिनर कर लेते हैं।
तो यहाँ पे ये लोग डिनर कर रहे थे। तो चलिए अब हम अंदर में आपको दिखाते हैं। तो जैसे कि आप लोग भी मेरी फैमिली हो तो आ जाइए, आप लोग भी साथ में हमारे डिनर करिए और हमारी पार्टी थोड़ी सी आप लोग भी इंजॉय करिए। तो यहाँ पे अब सारी लेडीज़ पलटन है, हम लोग यहाँ पे अंदर में बैठ गए इकट्ठे। ये हुआ कि यहाँ पे हम लोग डिनर कर लेते हैं, तो आप लोग भी आ जाइए साथ में डिनर करते हैं। अगर हमारी वीडियो ये आपको थोड़ी सी भी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट्स करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और नए हैं मेरे चैनल पर तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।